जी बिक्री करेगा ना, दो पैसा हाँ बनेगा, अच्छा बात है। देखो नहीं तो इतना सब्जी बिक्री हो रहे और वहाँ पे देखिए वो अंकल जी है ना, वो जो बेम्बू बेम्बू का रस्सी बना के वो सब्जी को लगा बांध रहे, देखो ना जी। तू होले बिना होले तू सब्जी तो बहुत अच्छा चीज है, देखो लक्षा ये रही हार्ट के लिए अच्छा है ना। मॉर्निंग फैमिली, और स्वागत है आपको फिर से एक नया शो में। और आज डे टू मेरा, और एकदम सुबह से देखिए मुर्गी का आवाज़ वगैरह सुनाई दे रहा है, और पूरा ट्राइबल लोगों का जिंदगी, पूरा कंप्लीट मेरा वीडियो में पूरा ट्राइबल लोगों का जिंदगी मिलेगा। और टांगसा फैमिली जो सीचू परिवार होता है, सुबह सुबह भैया जी देखिए साग सब्जी को पूरा सफा करके है ना, तो यहाँ पे जो लोग उन लोग का अपना व्यापार है, सुबह सुबह सब्जी वगैरह लेके अभी लोग जाएंगे। का जरमपुर जाएगा ना? ओ जरमपुर जाएगा। देखो बेम्बू सूट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह देखिए यहाँ पे साग सब्जी वगैरह सफा करके ये लोग लेके जाएंगे मेन टाउन। आपको बहुत सारा टाउन में दिखाई देता है ना, ट्राइबल पीपल लोग ऐसा लोकल सब्जी लेके जाते हैं ना। ये देखिए बेम्बू सूट जो हम लोग खाते हैं, ये पम्पकिन का देखो पत्ता है, इधर देखो ये मस्टर्ड सीड जो भी आप लोग बोलते हैं, लाइस साग देखो बहुत ही मजा है, बहुत ही। और इधर क्या है, लाल वाला मूली। भैया जी हमारा भैया जी देखो यहाँ पे लाल वाला मूली सफा कर रहा है, देखो सुबह सुबह। हाँ ये पूरा मतलब ट्राइबल लाइफ है ना, ये ट्राइबल लाइफ देखो कितना कष्ट करता है लोग, देखो ये देखो सुबह सुबह। तो ये देखिए जो ट्राइबल लोगों का जिंदगी होता है, एकदम मैं आपको शुरुआत सुबह से मैंने दिखाया। जब सुबह आके अभी देखा तो भैया जी जो है यहाँ पे साग सब्जी वगैरह पूरा सफा कर रहे हैं, मतलब अभी इसको बाजार में ले जाके बेचेंगे। देखिए सारा ढेर सारा सब्जी यहाँ से है ना, पूरा अपना खेती में लगा के ये लोग शहर में ले जाके बेच के आते हैं। देखिए कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, देखो। तो आपको शहर में दिखाई देता होगा, मैंने कुछ कुछ वीडियो भी बनाया था, ये देखिए कुछ कुछ वीडियो में आपको दिखा रहा, अभी जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी टाइप से ना बहुत सारा टाउन में रास्ते के किनारे हो गया, बहुत सारा जगह पे ट्राइबल लोग आके अपना जो है ना पूरा ऑर्गेनिक सब्जी बिक्री करते हैं। तो ऐसा है जिंदगी वाला का, देखिए ना। तो इतना कष्ट करके पैसा को है ना, दो पैसा बनाना पड़ता है, बहुत कष्ट है। और मॉर्निंग भैया, मॉर्निंग। आपका नाम बोल दीजिए। लातोंग सेसंग। लातोंग सेसंग। देखिए कल आते समय भी थोड़ा आपको देर हो गया, भैया कुछ कल्चर प्रोग्राम के लिए रेडी हो रहे, आज भी भैया जी का जाना है। भैया जी ने पूरा अपना टांगसा का शो लगा लिया है, देखिए गले पे उन लोग का, ये अपना ट्रेडिशनल होता है, बहुत ही बढ़िया। और अभी क्या घर में खेती बाड़ी सब बिजनेस घर में कर रहे हैं? हाँ घर में कर रहे हैं। हाँ ये बगान देखना पड़ेगा, देख रहे हैं। जी जी जी, उपाय भी नहीं है, पढ़ाई वगैरह अभी खत्म हो गई है कि नहीं? जी जी, अभी अपना ज्यादातर आप लोग ट्राइबल लोग तो अपना घर का ही काम करता है ना, घर का ही काम करता है। जी अभी पढ़ाई करो, घर का काम ही करता है, घर का ही बिजनेस करना है ना, बगान वगान करना है, लग गया ना घर का काम में, बहुत ही अच्छा है। देखो तो भैया जी बाहर में पढ़ाई करते थे, अभी आया है बाहर में कुछ काम भी किया इन्होंने करके, पढ़ाई वगैरह करके अभी अपना घर का काम वगैरह संभाल रहे। फ्रेश फ्रेश सब्जी आपको जैसे मैंने आपको दिखाया है, बहुत अच्छा है। हम लोग का बहन है, मैं छोटा सा बहन। मॉर्निंग, क्या नाम है? चोमो ना। स्कूल कब जाएगा? 7 बजे ना। सुबह सुबह उठ के रनिंग करो, ठीक है? अच्छे से रनिंग वनिंग करो, अगर पुलिस उपरी मिलता तो अच्छा बात है। क्या बड़ा होके क्या बनने का सपना है आपका बहन? टीचर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है ठीक है, ओके। अब फ्रेश हो जाओ, बहन भी अभी भी उठा है हम लोग का। तो ऐसा है ना, तो सुबह सुबह उठना चाहिए, जितना भी स्टूडेंट लोग है, जितना भी हम लोग का भाई बहन लोग है, रात ही रात उठे हो लगे ना। हाँ सब्जी सफा कर रहे, देखिए पूरा लोकल ऑर्गेनिक सब्जी, इसको अभी ले जाएंगे बाजार पे। देखिए बिक्री करेगा ना, दो पैसा बनेगा, अच्छा बात है। देखो इतना सब्जी बिक्री हो रहे, इतना कष्ट करना पड़ता है। देखो और वहाँ पे देखिए वो अंकल जी है ना, वो जो बेम्बू का रस्सी बना के वो सब्जी को बांध रहे हैं, देखो ना। तो मैंने बहुत सारा वीडियो में आपको मैं दिखा, तो मेरा वीडियो में आपको मिलेगा। ज्यादातर जो ट्राइबल लोग है वो इको फ्रेंडली चीज को यूज करते हैं ना, बेम्बू का रस्सी से उसको बांध के। देखिए कहने का बांध इसे सब टाइट हुई से, ओ बढ़िया बढ़िया। देखिए ना इस टाइप से, देखिए बेम्बू से बांध के, बेम्बू का रस्सी से बांध के, हाय हाय हाय। देखिए बहुत ही अच्छा, लो लो देखिए पूरा मुठा मुठा बना के ना। देखो ये देखिए ये हमें बेम्बू का रस्सी से बांधा है, और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा। ये देखिए यहाँ पे भी बेम्बू का रस्सी से बांधा है पूरा इको फ्रेंडली। और ये केले का पत्ते है ना, इस पे ये लोग बांध के ना इसको कवर करके इसके अंदर में सब्जी ले जाते हैं बाजार में। देखिए बेम्बू का सूट बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी है ना। चिकन हो गया, फिश हो गया, कल रात तो मैंने इसी के साथ खाना खाया है, फिश में बॉईल करके बनाया था भाभी जी ने, बहुत ज़्यादा टेस्ट था। पानी कुमरा बहुत अच्छा, देखो देखिए देखिए बहुत मज़ा।
बहुत अच्छा है। ओ प्याज प्याज अच्छा प्याज का पत्ता देखिए ना सब कुछ मतलब ना सब कुछ बाजार में अवेलेबल मिलेगा। रंगा लाओ है ठीक ठीक ठीक। कितना ज्यादा कष्ट करते हैं ना ट्राइबल लोग, लेकिन इन्हीं लोगों को एक्चुअली ना जो एक्चुअली में फैसिलिटी मिलना चाहिए इन्हीं लोगों के लिए ना। सबके दिखाई दी वो ठीक ठीक जैसे उन्हें बता रहे ना जो बाजार का सब्जी में केमिकल होता है और हम लोग का सब्जी तो खेती का है ना पूरा लोकल होता है वो सब बता रहे हैं। अच्छा है लोकेले भाला से हेल्थ का नहीं तो लोकल सब्जी भाल हो ठीक ठीक ठीक। ओहो ये तो बहुत अच्छा चीज है देखो गाइस आप लोग का वहाँ पे मिलता है कि आप ये तो बहुत अच्छा चीज है देखो ये हार्ट के लिए अच्छा है हम। थैंक यू ओहो थैंक यू काफी है लिखा दिया उन्होंने थैंक यू सो मच। ये सुबह सुबह है ना पेट के लिए खाली पेट कि ऐसा ऐसा भी गांव है ना जहाँ पे इतना कष्ट करके ना सब्जी वगैरह लेके बाजार में ले जाके बिक्री करके आते हैं ना। ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ और ऊपर ही जाके मैंने कल रात को वीडियो अपलोड किया था ना तो नेटवर्क वगैरह बहुत कम ही है हमें टावर का थोड़ा प्रॉब्लम भी है थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है पहाड़ के ऊपर ना तो हिलिका खा लेता हूँ ठीक है। हिलिका खाते खाते ऊपर जाते चलिए यहाँ पे भी एक घर है देखो बहुत ही मजा इतना सुंदर लग रहे हैं अभी आगे ना पूरा माइंड फ्रेश हो गया ये जगह पे आगे। बहुत दिन के बाद लगभग 6 महीने मैंने एब्सेंट किया था वीडियो वगैरह डालने के लिए। यहाँ पे आपको सिर्फ बेम्बू पत्ता और लकड़ी का सिर्फ घर मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे भी एक घर है देखो ना ये नज़ारा देखो ये इस नज़ारा को ये देखो यहाँ पे भी एक सर है जिन्होंने कान्हे कॉलेज में पढ़ाई किया था सोचिए जिन्होंने कान्हे कॉलेज में पढ़ाई किया था उनके लिए भी उनके ऊपर भी मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट कहाँ है हेलो सर अरे भाल हाँ जागुनपारा हाँ हाँ गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग यहाँ पे हम लोग का जो सर है अंकल जी है देखिए ये है हम लोग का यहाँ पे। और सर मैंने सुना था आप कान्हे कॉलेज में पढ़ाई किया है वाह कोई बात नहीं आपका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा आज थोड़ा सा वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। वाह पूरा ट्राइबल कल्चर देखिए सब कुछ ये जो कंटेनर ये बेम्बू का यहाँ पे भी बहुत सारा सामान रखा जाता है। ये जो वाला पार्ट है ना ये वाला हिस्सा मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन पे ना ये देखिए बहुत ही सुंदर अभी बना रहे ये लोग फलब अभी अरु भाल ऐसे ना सब भले ऐसे ओके वेरी नाइस। वाओ देखो दोस्तों कितना अच्छा है देखो सब्जी वगैरह में सुखा के रखा है। यहाँ पे सुअर पाला है देखो करी पत्ता का घर देखिए बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पे मिर्चा सुखा के रखा है ये तो मुझे पता नहीं क्या है दालचीनी जैसा भी लग रहा है बट आई डोंट नो हल्दी भी है ना क्या है पता नहीं मुझे क्या है ये। वही देखे इस टाइप से ना ये जो पत्ता है ना इस जंगल से काट के लाते हैं या फिर सुखाते हैं और इसी से घर का जो छत है वो बनता है देखो मज़ा पूरा कंप्लीट ट्राइबल समाज लोगों का। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था सुबह उठने से लेके है ना जो भी उन लोग करता है तो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया जो सब्जी वगैरह लेके बाजार में जाके है ना बेच के आना और वो आंटी जी भी बता रहे थे कि आजकल मार्केट में बहुत सारा केमिकल का सब्जी मिलता है ना जितना सकेंगे लोकल सब्जी खाइए। तो हम लोग भी अपना घर में थोड़ा बहुत होने से भी जैसे गार्डनिंग टाइप का ना सब्जी वगैरह लगाना है ना अपना हेल्थ के लिए सोचना है। ये हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है इस दुनिया में ये शरीर है तो सब कुछ है अगर ये हेल्थी नहीं रहेगा तो कुछ फायदा नहीं है। तो बहुत लोग के घर में ऐसा अभी होता है कि जगह नहीं होता है ना तो फ्लावर पॉट में भी आप सब्जी लगा सकते हो। एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ ना मार्केट में अवेलेबल है फ्लावर पॉट अगर जो फ्लावर का जो पॉट होता है वो अगर लेना नहीं है तो थर्मोकोल मिलता है वो तो अवेलेबल होता है ना वो फेंक देते हैं ना बहुत सारा उस पर सब्जी फल या फिर मछली वगैरह आते हैं जो थर्मोकोल में उसको भी लेके आप घर पे रखे हो पे मट्टी डाल के सब्जी लगा सकते हो। एक छोटा सा मैंने आपको मैसेज दिया चलिए क्योंकि घर पे बहुत सारा कम जगह होता है ना। चाय को ले लिया और चाय का चुस्की के साथ ये जो खूबसूरत वादिया है ना उसको साथ में लेके एंजॉय करेंगे सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग मतलब अपना मतलब ना अपना घर में जो है ना उसी चीज़ को मेहनत करेंगे और उसी चीज़ से पैसा बनाएंगे। लोगों का बगान है बगान लगाते देखिए इस टाइप से ना देखिए ये नज़ारा देखिए बहुत ही बढ़िया और ये
छोटा सा घर देखिए, सुंदर सा घर कितना अच्छा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको इस टाइप का घर मिलेगा ना, बेम्बू पत्ता और लकड़ी का घर ही मिलेगा। तो ऐसा जगह पे मैं आया हूँ 2024 में, मैं एक ऐसा गांव पे आया हूँ जहाँ पे बेम्बू लकड़ी और पत्ता का घर सिर्फ मिलेगा। तो चलिए चाय वाय पीते हैं और उसके बाद मुझे जाना है वो ऊपर टॉप में, वहाँ पे जाके यहाँ नीचे का नज़ारा दिखाना है पूरा कम्प्लीटली। तो चलिए मैं चाय पी लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। गोया सो ये तो कप ऐसे रखे थी सो, थैंक यू सो मच चाय के लिए। देखिए कितना अच्छा है ना, सब लोग चाय का ऑफर किया। सुबह सुबह ब्लैक टी गुड फॉर हेल्थ, उसमें हल्का सा ब्लैक पेपर डाला था जिसे हम गोल मरीज कहते हैं, अच्छा लगा। वहाँ पे एक घर पे अंकल जी ने जो सुबह सुबह बाजार जा रहे थे, उन्होंने हिली का ऑफर किया, एक खा दिया और यहाँ पे ब्लैक टी का आनंद लेते हुए अभी। और ये देखिए नज़ारे देखिए कितना मज़ा है, देखो चारों तरफ पूरा हरा भरा चारों तरफ पूरा हरियाली से भरा हुआ है पूरा। अभी मैं ये रास्ता से जा रहा हूँ, पतला सा रास्ता है और ये पूरा बागान बागान देखो। एक सर थे जो नामपुंग में बैठे थे और अभी ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कमेंट किया था और मुझे मैसेज भी किया उन्होंने, तो ऑस्ट्रेलिया में वो लोग वहाँ पे सेटल हो गए ना। ऐसा बहुत सारा परिवार है जो पहले सर्विस ड्यूरिंग सर्विस के टाइम है ना यहाँ पे रहते थे और अभी यहाँ पे नहीं है। तो अभी भी अगर कोई वीडियो देख रहे हैं कहीं से ना, जितना भी दूर है ना, आप कमेंट कर दीजिए ना, पहले यहाँ पे थे आप लोग और अभी बाहर पे है ना। तो एक सर है जिनका मैं देख साइड में देखे, मैं आपको फोटो एक दिखा रहा हूँ ना, ये सर है ना जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वो इस जगह को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट वो नामपुंग में रहते थे ना। अभी देखिए पीछे बगान है ना, कुछ घर देखिए। तो अभी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, यहाँ से पूरा नज़ारा दिखाई देता है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं ऊपर चढ़ के यहाँ का पूरा नीचे का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से चढ़ाई उठना होगा, देखो दोस्तों ये सबसे ऊंचा वाला जगह काफ़ी ऊंचा है और स्लोली स्लोली मेरे पीछे आपको पूरा गांव यहाँ से दिखाई देगा। वो देखिए देखिए क्या व्यू है, देखो टॉप ऑफ द हिल, देखिए पूरा नज़ारा यहाँ से पूरा साफ दिखाई देता, देखिए चारों तरफ दूंगा। तो अभी वीडियो को मैं यहाँ पे अंत करने वाला हूँ, इस जगह पे जाके भी आपको मैं दिखाऊंगा नज़ारा। ये खूबसूरत नज़ारा अरुणाचल प्रदेश का है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का देखिए। और ये बड़ा बड़ा जो काला काला आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसके उस पार आपको मिलेगा म्यांमार। म्यांमार ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, पास ही में है, देखिए बहुत ही मज़ा। तो चलिए फैमिली, तो मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। तो जो भी है आपको मैं दिखाते रहूँगा, ट्राइबल लोगों का अपना कल्चर, ट्राइबल लोगों का ज़िंदगी, ट्राइबल विलेज, ट्राइबल लाइफ स्टाइल है ना, ट्राइबल फूड, सब कुछ मेरा वीडियो में आपको मिलेगा। और प्लीज़ इस वीडियो को आप जितना सकेंगे शेयर कीजिए ताकि और किसी को भी पता चले ना, 2024 में भी आज भी इस जगह पे लकड़ी पत्ता और बेम्बू का घर है, सोच के देख। तो ओके फैमिली, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आप सभी को बाय बाय।